एज नहीं, सिर्फ नाम, पूरा नाम और फादर्स नेम पूरा। नहीं तो मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो सुनो, इसको बहुत सिंपल कर दो, बराबर। अभी मैं CPR शुरू करने वाली हूँ, एक जन को यहाँ से शुरू करो, एक जन का नाम लिखना शुरू कर दो, वही उधर बैठेगा, वही उधर अपना नाम लिखेगा, फादर्स नाम लिखेगा, आप फोटो वहाँ चिपकाना, उसका साइन करके उसको भेज दो, फिर दूसरे को बुलाओ, तो 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा ये पूरा, है ना। चलो, अभी तक में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी पूछना है, क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर समझो चेस्ट के ऊपर ही है तो 9% हुआ, वो 30 इयर्स का है तो 39% हुआ, पर वो थर्ड डिग्री है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, फिर वो डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिग्री कितनी हो रखी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना है। जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ बर्न्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सर्वाइवल रेट्स कम होते जाते हैं, चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा है। अब वो फेलियर डेथ में भी जा सकता है, वो फेलियर उस पार्ट, उस एरिया में भी जा सकता है कि वो स्किन वापस से ना आए, वो एरिया वापस से ना आए। यस, इसमें क्या होता है ना, सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न्स में, अच्छा आपने याद दिलाया, एसिड डाला, बराबर। एसिड डालने के बाद क्या होता है, सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं, फिर वो चमड़ी एकदम प्लास्टिक की जैसे निकलने लग जाती है। तो अपन क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया, कपड़ा लिया, गीला किया और रख दिया, पर जहाँ जहाँ फोल्ड है, ये 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 फोल्ड है, यहाँ पे भी गीला करके कपड़ा रख दो, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक चिप, क्यों, क्योंकि पहले तो वो एकदम प्लास्टिक जैसी रहती है, पर जाते जाते फिर वो चिपक जाती है, फिर उसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उससे अच्छा है हर फोल्ड में आप गीला करके कपड़ा वहाँ पे रख के फिर लेकर जाओ। चलो, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, अगर वो डर है, आपको लग रहा है कि इसको शायद इन्फेक्शन होगा, कुछ होगा, थैली पहन लो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कुछ मेजर रहता नहीं है, बराबर। आपके हाथ में भी कट लगा हो, उसके हाथ में भी कट लगा हो, तो वो ब्लड टू ब्लड जाएगा, तो वो हो सकता है, बराबर। वो बहुत रेयर केस में वो चीज़ें होती है, पर वो ध्यान, देखो फर्स्ट ये किसको ध्यान रखना होता है, हम लोगों का वो अलग ही आता है पूरा, कि डॉक्टर्स को क्या ध्यान रखना है, नर्सिस को क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास रोज़ फर्स्ट एड तो आएगा नहीं, कभी कभार ही आएगा, हमारे पास रोज़ ही आते हैं, तो हमें कभी ना कभी तो हमें भी कट लगा हुआ रहता है, कभी ना कभी हमें भी इन्फेक्शन रहता है, बराबर। सामने वाले को भी इन्फेक्शन रहता है, HIV वाले भी आते हैं हमारे पास, तो बराबर, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, बराबर। चलो, डन, हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। चलो, अभी हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, फटाफट से अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, हाँ अपनी जगह पे ही, ठीक है। मैं बोलूँगी सिट तो बैठ जाना है, मैं बोलूँगी स्टैंड तो खड़े हो जाना है, सिंपल, ठीक है। चलो, सिट, स्टैंड, सिट, स्टैंड, अब उल्टा, मैं बोलूँगी स्टैंड तो बैठ जाना है, मैं बोलूँगी सिट तो खड़े होना है, ठीक है। डन, सिट, सिट, स्टैंड, स्टैंड, सिट, स्टैंड, सिट, कंफ्यूज हो गए, सिट, स्टैंड, सिट, स्टैंड, स्टैंड, बैठ जाओ। सो दिस वॉज जस्ट ताकि थोड़ा सा वापस रिफ्रेश हो जाओ, बराबर। हाँ, मैं सोने तो बिल्कुल नहीं देती, एक भी उबासी दिखती है तो एक्सरसाइज करवाती रहती हूँ मैं।
उबासी कब आती है पता है? ब्लड के अंदर, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, है पर तो हम वैसे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पर कब कम होता है? जब हम एकदम ऐसे लेथार्जिक ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है चल रहा है, क्या चल रहा है कुछ, मतलब ब्रेन को काम नहीं करवा रहे हैं, तब उबासी आती है। मूवी देखते देखते उबासी आती है क्या कभी? हंसते देखते हैं तब तो आजकल बेकार ज़्यादा बन रही है मूवीज़। चलो नाउ अब हम लोग बात करेंगे अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना, बराबर। कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे? ये मोदी जी के बहुत फ्री आज तो इतना फ्री कभी रहते नहीं है मोदी जी। चलो अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना, बराबर। कभी भी अगर बेहोश हो जाता है इंसान तो क्या करना चाहिए हमें? क्या हो रहा है? सब ठीक? पाँव ऊपर करके, पाँव से ऊपर कर देना है, ब्लड फ्लो, राइट। नाउ सी, दो केस होंगे हमारे पास बेहोशी के, बराबर। एक होगा कि हमारे पास बेहोश हुआ, मतलब खून बह रहा था, हम लोग कंट्रोल कर रहे थे और हमारी आंखों के सामने बेहोश हुआ। अब आपको रीज़न मालूम है, बराबर, रीज़न आपको पता है क्यों बेहोश हुआ। एक होगा पहले से बेहोश हो रखा है, या तो उसके आजू बाजू लोग होंगे तो आपको बता देंगे क्यों बेहोश हुआ, या फिर वो बताएंगे पता नहीं हम लोग आए तब से बेहोश पड़ा हुआ है। मतलब आपको रीज़न नहीं मालूम है, बराबर। अब दोनों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बराबर। ये दोनों के लिए हमने एक ही फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। एक है डी आर ए बी सी, डॉक्टर ए बी सी, नहीं डॉक्टर नहीं, डेंजर, यस, डी फॉर डेंजर। डेंजर मतलब ये मैं किसी को भी पूछूंगी अभी, बराबर, ये तो आना ही चाहिए, इसके बगैर तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, हाँ, क्योंकि ये नहीं आता होगा तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं दूंगी मैं तो। डेंजर, डी फॉर डेंजर, डेंजर मतलब खतरा। अब जिसमें आपको रीज़न मालूम नहीं है, बराबर, इलेक्ट्रिकल शॉक लगा और बेहोश हो गया, तो क्या करोगे? आपको थोड़ी मालूम है क्यों बेहोश हो गया वो, बराबर। तो आपको डेंजर देखना है, मतलब आपको तो किसी चीज़ का खतरा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एड में सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद की जान बचाना, फिर आप लोगों की जान बचा पाओगे, बराबर। मूवी में जैसा आता है वैसा नहीं करने का, आग लगी है मैं चला जाऊँगा, मैं पहले उसको लेकर जाऊँगा, है ना, हाँ, खुद अंदर जाओगे तो खुद भी अंदर फंस जाओगे, राइट। तो डेंजर, कौन सी चीज़ों का डेंजर देखना है, वैसे हर एक चीज़ देखनी है, पर क्या क्या देखेंगे, मेन चीज़ एक है फायर, कहीं आग तो नहीं लगी है, बराबर। दूसरा है वायर, कहीं पे वायर दिख रहा है क्या, कि इलेक्ट्रिक करंट जिसकी वजह से लगा हुआ हो। तीसरा है गैस, मतलब कि कोई स्मेल आ रहा है क्या आपको, और ज़रूरी नहीं है गैस, मतलब गैस मैं क्या बता रही हूँ, स्मेल दारू पी के भी पड़ा हुआ हो सकता है, हाँ हमारे बाजू बहुत होता है, उसको CPR देने नहीं जाते फिर। और फिर है सरफेस, सरफेस यहाँ पे पड़ा हुआ इंसान मैं देख लूँगी एक बार, ठीक है स्मेल तो नहीं आ रही है, वायर भी नहीं है, फायर भी नहीं है कुछ, पर कुछ आजू बाजू ऐसा कुछ पड़ा है क्या कि जिसकी वजह से मुझे कुछ क्लू मिल जाए, तो सरफेस एक बार चेक कर लेना है। तो ये चार चीज़ चेक करेंगे, नो फायर, नो वायर, नो गैस, सरफेस क्लियर। हाँ जी, आपको पता तो चल जाएगा ना उसको देख कर, आपका तो डेंजर नहीं है उसके अंदर, बराबर। अब आएगा रिस्पॉन्स, आएगा, हाँ बताती हूँ, राइट। आर फॉर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब
वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। अब कोई भी इंसान बेहोश हुआ है तो उसको उठाने की कोशिश करनी है। कैसे उठाते हैं आप लोग? बराबर, हाँ बराबर। और हाँ और फिर हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, पीने उसके जूते हटा करके उसको पी नहीं है। आप आंखें खोल के देख सकते हैं मैडम क्या वो प्यूपिलरी डायलेट होती है, वो बाद में आएगा लास्ट में, जब चारों चार रिस्पॉन्स नहीं दिया उस टाइम पे प्यूपिलरी का देखेंगे। पर सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया क्या था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जाग रहा है कि नहीं, तो पहले उसको मारेंगे गालों के ऊपर, बराबर, जोर से, धीरे से नहीं, नहीं तो वो जागेगा भी नहीं। हाँ बराबर, हाँ। और रिस्पॉन्स मतलब ये नहीं उठ के खड़ा हो गया कुछ भी, यू यू आ ओ कुछ भी किया वो रिस्पॉन्स में आएगा, बराबर, कुछ भी मूवमेंट, कुछ भी रिस्पॉन्स, मतलब हम लोग अभी ये चेक कर रहे हैं इससे कि वो इंसान मरा तो नहीं है। करते 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 रिस्पॉन्स नहीं है वो, रिस्पॉन्स मतलब अभी वो रिस्पॉन्ड दे रहा है कि नहीं, बराबर। तो सबसे पहले हम करेंगे उसको गाल पे मारेंगे, दूसरा जोर से उसके दोनों कानों में जाके चिल्लाना है, अगर नाम मालूम है तो नाम, नहीं मालूम है तो हेलो हेलो, दोनों कानों में क्यों, एक के शायद बहरा हो, या तो फिर जब एक्सीडेंट हुआ कुछ गिरा तब बहरा हो गया हो, चांसेस है, बराबर। तीसरी चीज़ यहाँ पे सब लोग अंगूठे ऐसे करो, आँखों के ऊपर यहाँ पे, हाँ एक गड्ढा जैसा महसूस होगा, हो रहा है बराबर, यहाँ पे ज़ोर से दबाना है, अभी मत दबाना, ज़ोर से दर्द होगा, बराबर। उस जगह पे एक नस है जो डायरेक्ट ब्रेन के पास जाती है, उस जगह पे जोर से अंगूठे से ही दबाना है, क्योंकि ऐसे करके जब आप ऐसे दबाओगे ना तो उसको भयंकर पेन होगा, और वो पेन की वजह से यूं 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 करके वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वो रिस्पॉन्स दे देगा, बराबर। चौथी चीज़ है उसको पेट के पास चिमटी मारनी है। चारों चार में उसने कुछ नहीं किया तो फिर टॉर्च लो या तो फ़ोन की टॉर्च लो, आँख खोलो और उसके आँख में कैसे मारोगे देखो, ऐसे जैसे ऐसे करोगे तो उसकी जो आपको क्या बोलते हैं उसको काली कीकी है ना, हाँ वो जो है वो सिकुड़ेगी, और जैसे ही ऐसे करोगे निकाल दोगे टॉर्च वैसे वो वापस रिलैक्स हो जाएगी, वापस सिकुड़ेगी रिलैक्स हो जाएगी, मतलब चल रहा है अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ये नहीं हो रहा है मतलब ही इज गॉन। फिर CPR देने का कोई मतलब रहेगा नहीं, पर फिर भी एक बार के लिए चेक कर सकते हो तसल्ली के लिए, बिकॉज आप सब डॉक्टर्स नहीं है तो आपको शॉर्ट शॉर्ट वो शायद ना भी मालूम चले, बराबर। अब ये रहा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स समझ में आ गया कैसे, कौन सी चीज़ें हैं, थप्पड़ मारना, कान में चिल्ला के बोलना, आँखों के पास चिमटी काटना, हाँ, और पाँचवा, पाँचवा टॉर्च डैट। तो ये पांच चीज़ें यहाँ पे करनी है रिस्पॉन्स में। अब जिस अगर रिस्पॉन्स उसने कुछ भी दिया इधर उधर तो आगे का करने का ज़रूरत नहीं है, बराबर। अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आगे जाने की ज़रूरत है। ए फॉर एयरवे मतलब हाँ वे, हाँ सांस लेने का रास्ता, वेरी गुड। नाक और मुंह, अब रास्ता यहाँ से है, रास्ता देखना है कि कहीं अटक तो नहीं गया है कुछ, मिर्गी में अक्सर जीभ उल्टी हो जाती है फिर वो बेहोश हो गया, फिर आपने ये चेक करने गए डेंजर है मिर्गी में कुछ नहीं, रिस्पॉन्स चेक किया नहीं उठा, अब एयरवे चेक किया, जैसे ही मुंह खोला उसकी जीभ उल्टी, कुछ नहीं पकड़ के ऐसे खींच दो हो जाएगी ठीक, बराबर। पर एयरवे चेक करने का एक सही तरीका होता है, क्या करना है, इंसान नीचे लेटा हुआ होगा ये पूरे प्रोसेस के दरमियान, यहाँ से उसको ऐसे प्रेस करो, जैसे ही ये ऐसे प्रेस करोगे वैसे ही सिर जो है वो सीधा हो जाएगा और यहाँ की ये जो लाइन है वो सीधी हो जाएगी, तकिए के ऊपर ऐसे हो जाती है, राइट, ये इस तरह से होगी। नाउ सेकेंड थिंग क्या करनी है हमें कि ये ऊपर करने के बाद यहाँ से मुंह खोलो, जैसे ही मुंह खोलोगे आप ऊपर से देखोगे तो वो आपको पूरा रास्ता
यहाँ तक का तो दिख जाएगा। तो कुछ फंसा हुआ है, दांत फंसा हुआ है, जीभ उल्टी हो गई है, कपड़ा फंसा हुआ है, कुछ भी फंसा हुआ है, उसको एक उंगली से दो उंगली से जैसे निकालना है उस हिसाब से अब निकाल दो। बराबर, ये किए बगैर अगर आगे बढ़ोगे तो नहीं चलेगा। बराबर, क्योंकि ब्रीदिंग और सर्कुलेशन बंद होगा, आप CPR दे रहे हो, सांस जाने का रास्ता ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा CPR का। खाना खा रहे थे, हार्ट अटैक आ गया, बीच में ही गला में फंसा गया, अटक गया, तो क्या करोगे? बराबर, और उसी टाइम पे हार्ट अटैक आया, बेहोश हो गया, आपने रिस्पांस चेक किया नहीं आ रहा है, एयरवे चेक करना भूल गए, बी और सी चेक कर दिया, सांस नहीं आ रही, हार्ट बंद हो रहा है, आपने डायरेक्ट CPR देना शुरू कर दिया और आप सोच रहे हो क्यों नहीं हो रहा चालू, क्यों नहीं हो रहा चालू, अच्छा ये तो नहीं हो रहा, पर एयरवे चेक करना भूल गए, खाना खा रहे थे, बीच में खाना अटक गया, होता है ये चीज़। बराबर, इसीलिए ए बी और सी इसी तरीके से इसी सिक्वेंस में जाना है। अब हम लोग बी फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब सांस ले रहे कि नहीं, अब आता है सांस वाला, सांस कैसे चेक करते हैं? बराबर, आपको आराम से चेक हो जाएगा, ऐसे नहीं, कभी भी ऐसे 5 सेकेंड तक रखो, क्योंकि जैसे मैंने बताया शॉक में क्या हो रहा था, सारी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर रही है ना। बराबर, तो शायद तुरंत ही आपको महसूस ना भी हो, धीरे धीरे सांस आ रही हो, तो 5 सेकेंड तक रखो तो आपको महसूस हो जाएगा। दूसरा बहुत ही सिंपल सा तरीका है, चेस्ट और पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, जो हम अक्सर कई बार देखते भी है कि भाई हाँ चेस्ट हिल रहा है कि नहीं, पेट हिल रहा है कि, सिंपल चेस्ट और एब्डोमेन की मूवमेंट बोलते हैं उसको। बराबर, और आपको कन्फर्म करना है तो क्या करना है, आपका कान उसके नाक के पास लेकर जाओ, तो आपको सुनाई देगा हवा, बस 5 सेकेंड के लिए रखो, आपको समझ आ जाएगा। बराबर, तो एयरवे आपको क्लियर कर देना है, फिर ब्रीदिंग चेक करने के 3 तरीके हैं, कौन से? और दो हाथ, दो हाथ वाला पहले करो, चेस्ट पेट वाला पहले करो, फिर अगर आपको श्योर नहीं होता है, आप थोड़ा घबराए हुए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कान को नाक के पास लेकर जाओ, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग नॉन मेडिकल पर्सन हो, आप लोग एक बार के लिए कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ से। बराबर, अब वो सांस भी नहीं ले रहा, अब आगे जाएंगे हम सर्कुलेशन, सी फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब परिभ्रमण, परिभ्रमण, शरीर में कौन परिभ्रमण करता है? ब्लड। कौन करवाता है? हार्ट। हार्ट चल रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? पल्स, पल्स से। बराबर ना, हाँ, कैसे चेक करते हैं पल्स, कौन बताएगा? बताओ, सब लोग बताओ, चलो किसका सही है मैं बताती हूँ। एक तरीका ये है, हाँ, नहीं नहीं, अभी अभी हाथ वाला ही बताओ सिर्फ। ओके, गलत, गलत, सही, गलत, हाँ सही, आपका सही, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सही, हाँ सही सही सही, हाँ सही, हाँ हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सही आ रहा है, सही, थोड़ा सा सही, गलत, सही 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 सही, गलत, सही, किन लोगों को बोला मैंने? हाँ, क्या किया आप लोगों ने? दो उंगली, देखो दो उंगली की, बराबर, हाँ, आप खड़े होके सबको बता दीजिए ना एक बार, अच्छा दो उंगली से क्यों करनी है पता है आपको? इसका रीजन मालूम है? क्योंकि अभी ब्लड फ्लो जो है वो मैंने बताया था आपको कैसा हो गया था, वीक। अभी समझो एक नली है, नली में से पानी कम जा रहा है, आगे बढ़ाने के लिए हम पीछे से प्रेशर देते हैं ना, देते कि नहीं? उसी तरीके से जब दो उंगली से आप प्रेशर दो, तब क्या करो, एक उंगली से प्रेशर दो और दूसरी उंगली से फील करो,
तो आगे की ओर प्रेशर की वजह से आपको अच्छे से फील होगा, क्योंकि जिसमें 1.5 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होगा उसमें पल्स एकदम वीक हो जाएगी, उसमें आपको ये दो उंगली वाला ही काम आएगा, अंगूठे वाला काम नहीं आएगा। अभी ऐसे करोगे तो अभी तो महसूस हो जाएगा सब जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बराबर ना। हाँ, दो उंगली अंगूठे के साइड, हमेशा ये याद रखने का, अंगूठे के साइड पे दो उंगली जस्ट नीचे फील करो, बराबर। एक उंगली से दबाओ, दूसरी उंगली से फील करो। डॉक्टर को देखा होगा जब एकदम सीरियस केस होता है तीन उंगली यूज़ करते हैं वो लोग। तीन क्यों? आगे और पीछे से दोनों से प्रेशर देते हैं ताकि बीच में जो ब्लड आए वो तीसरी उंगली से फील कर पाए, समझ रहे हो? वो नहीं, पर आप लोग एक से दबाओ दूसरे से फील करो, सिंपल एज दैट, डन, समझ गए? अब ठाकुर है शोले का, हाथ ही नहीं है, क्या करोगे? गले से कैसे करोगे? गले से कैसे करोगे? हाँ, यहाँ पे ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी है, फील करो सब लोग, यहाँ पे हड्डी, बराबर, हड्डी के नीचे आओ ऐसे, हो रहा है? हाँ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हो रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी नली है, आर्टरी बहुत बड़ी है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जितनी बड़ी है उतनी इम्पोर्टेंट भी है, ज़्यादा देर तक दबा के मत रखना, नहीं तो जितना ब्लड फ्लो जा रहा है उसमें से भी कम हो जाएगा। मिल गया, ठीक, निकाल दो, समझ रहे हो? बराबर, हाँ। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हड्डी फील होगी, किन में दिख रही है? लड़कों में ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है, और इनमें दिख रही है, ऊपर देखो, ये देखो, ये हड्डी दिख रही है, बराबर, ये हड्डी के जस्ट लेफ्ट और राइट, हो रहा है? थोड़ा सा अंदर दबाना पड़ेगा, आ रहा है? चलो, सब जिंदा है, नहीं तो अभी CPR जिस पे नहीं आ रहा उसी पे करूँगी। चलो, डन, समझ गए? यस। अब गला भी नहीं है तो ये देखो, थाइस बोल रहे, चाय पिलाओ सबको, सब सोचने लग गए, हैं? वेरी गुड। हाँ, होता है, पूरा दिन इतना सब पढ़ने के बाद दिमाग जो है वो सीधा नहीं सोचता और टेढ़ा सोचता है वो, है ना? चलो, तो इन शॉर्ट यहाँ पे सर्कुलेशन ख़त्म होता है, ठीक है? डॉक्टर ABC अगर देखा और इंसान के अंदर कुछ भी हलन चलन नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है, तो अब हम करेंगे क्या? CPR। CPR का फुल फॉर्म कोई बताएगा? क्या बात, वेरी गुड, गुड, ज़ोरदार ताली हो जाए इनके लिए, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को आता है, ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, CPR कैसे करना है वो सीख लेना बस, बराबर। कार्डियो मतलब हार्ट, अच्छा हार्ट ऐसे शेप का होता है क्या? ये कैसा वाला सिंबल है? अच्छा, कैसा होता है? तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, मुट्ठी जितना साइज रहता है ऐसा रहता है हार्ट। ये होता है शेप हार्ट का, चार चेंबर होते हैं उसके, 1, 2, 3, 4, बराबर। हाँ, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं ना, जिन्होंने बहुत कमाया इसमें कोविड में,
और रिससिटेशन, रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवित करना। तो हार्ट और लंग्स जो दोनों हमने चेक किए, इसमें ले चेक किया ना लंग्स और इसमें हमने चेक किया हार्ट, ये दोनों में जो बंद हो चुके हैं हम उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो ये हलवा नहीं है अब, बराबर। नींद आ रही हो तो खड़े होके सुनना, क्योंकि इससे किसी की जान बच सकती है, और वो किसी, कोई आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, या तो कोई और हो सकता है, किसी और का भाई, किसी और की बहन, कोई किसी और का बाप, किसी और की माँ हो सकती है, बराबर। पूरी ज़िंदगी भर दुआ मिलेगी, ज़िंदगी भर, बराबर। अब CPR देते कैसे हैं, तो पहले हमने चेक किया ब्रीदिंग, तो ये पहले चालू करेंगे हम, ओके। पोजिशन देख लेना, आके सबको ये करना है, क्वेश्चन पेपर पहले आपको लिखना है, सबमिट करते वक्त CPR देना है, और फिर मैं क्वेश्चन पेपर लूँगी और फिर यहाँ से जाना है, ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है। हाँ, अब इंसान लेटा हुआ है, शुरू करना है हमें CPR, पीछे दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो आगे आ जाओ, ये इम्पोर्टेंट है, पीछे नहीं दिख रहा हो तो आगे आ जाओ। अब सबसे पहले हमने जैसे बताया ब्रीदिंग, बराबर, उसी वापस रेशियो में जाते हैं हम। कैसे जाएंगे, तो कोई भी एक पतला कपड़ा लेना है, उसके मुंह के ऊपर रखना है, ओके। अब यहाँ से वापस ऊपर, ये ऊपर, बराबर, यहाँ से मुंह खोलो, क्योंकि बेहोश है तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे ही ऊपर करोगे ये यहीं रहेगा, बराबर। ये अभी प्लास्टिक इसे वापस नीचे आ जाएगा, पर अदरवाइज इंसान में वो नीचे नहीं आएगा, ओके। तो ये इस तरह से करके छोड़ दो, यहाँ का हाथ आप छोड़ सकते हो, ये फ्री है हाथ। अब क्या करेंगे हम, नाक बंद करेंगे, क्यों, क्योंकि मुंह से सांस देंगे, नाक से बाहर निकल गई तो फेफड़े तक पहुँची नहीं, तो ये चालू कैसे करेंगे, बराबर। हाँ, नाक बंद, मुँह खोलो, किस तरह से, इस तरह से, बराबर। अब आपको कैसे बैठना है, वो नीचे होना चाहिए, ना सोफे पे चलेगा, ना बेड पे चलेगा, ना कहीं पे भी चलेगा, आपको घुटनों के बल नीचे बैठना है, उसके बाजू में, उसके ऊपर एक पैर रख के, ऐसा कुछ भी नहीं करना। कई बार देखा है ऐसी सारी चीज़ें करते हुए लोगों को, यहाँ पे पकड़ा, सांस ज़ोर से लो और फिर नीचे। अब जब सांस दे रहे हो तो कैसे जाएगी ये देखना, पूरा का पूरा आपका मुंह जो है वो उसके मुंह के ऊपर पूरा आपका टच हो जाना चाहिए, किस तरह से, ऐसे, बराबर। हाथ रख के ऐसे करके मत देने जाना, नहीं तो क्या होगा, पूरी हवा बाहर निकल जाएगी। जैसे ही पूरा मुंह आपने उसके मुंह के ऊपर इस तरह से फिट किया, फिर सांस दो, कैसे, प्रेशर इतना ही होना चाहिए। अभी आवाज़ आ रही है, यहाँ जाओगे तो आवाज़ नहीं आएगी, पर प्रेशर कितना होना चाहिए उसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। कितनी बार देंगे ये चीज़, दो बार, दो बार हमने उसको ब्रीदिंग दिया, बराबर। और जब दे रहे हैं तब इस तरह से नहीं, ये नहीं, क्या कर रहे हैं आप, ले रहे हो, दे रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, नहीं। पहले क्या करेंगे, नाक पहले ऊपर, नाक बंद, मुंह खोला, और जब आप कर रहे हो तब आंखें आपकी चेस्ट की तरफ, कि उसका चेस्ट ऊपर हो रहा है कि नहीं, बराबर। और फिर अब जैसे ही आपने सांस दी ये ऊपर गया, फिर जैसे ही सांस आप ऊपर आ रहे हो जब सांस लेने के लिए, तब ये नीचे जाना चाहिए। अगर नीचे नहीं जा रहा है तो फिर उसको ऐसे करके साइड पे लिटा दो, अपने आप सांस जो है वो बाहर चली जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो सांस अपने आप बाहर निकल जाती है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर जो होता है वही उसको दबा देता। समझ गए, यस और नो, पक्का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग, कितनी बार दिया हमने, दो बार, दो बार। अब हमने ये तो चालू करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए कर लिया, अब क्या चालू करेंगे हम, हार्ट,
बराबर। हार्ट चालू करने के लिए पहले मेरी पोजीशन देख लो, चेस्ट के बाजू में लेफ्ट या राइट कोई भी चलेगी, बराबर। एक हाथ ऐसे, दूसरा हाथ उसके ऊपर, और पूरा इस तरह से उसको ग्रैब कर लो, बराबर। इसका ये जो भाग है ना, ये भाग वो बीच में आना चाहिए। कहाँ पे? चेस्ट के बीच की हड्डी आपको फील होती है सब में ही, बराबर। दोनों चेस्ट के निप्पल्स के जस्ट बीच में, या तो नीचे की जो हड्डी है उससे तीन उंगली ऊपर। नीचे की हड्डी वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसलिए बेस्ट इज निप्पल्स के बीच में। ये आपको पोजीशन मिल गई है, यहाँ की ये पोजीशन और यहाँ की ये पोजीशन, तो यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन मार्क की हुई है, बराबर। तो कैसे करेंगे? वन ऊपर, टू। अब जब आप दे रहे हैं मसाज, उस टाइम पे ये मुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अब ये मुड़ा तो प्रेशर कौन खा गया, बराबर। ये इसके ऊपर जा ही नहीं रहा प्रेशर, तो प्रेशर कैसे देना है? सीधा लाइक दिस एंड देन वन टू थ्री फोर। अब ये क्या हो रहा है, मेरा प्रेशर कहाँ का जा रहा है? यहाँ से, बराबर। पूरा ऐसे चढ़ भी नहीं जाना है, नहीं तो आपके पूरा बॉडी वेट उसके चेस्ट के ऊपर आ जाएगा, उसकी पसलियाँ टूट जाएगी, बराबर। कहाँ से प्रेशर, वापस से देखो, सिर्फ शोल्डर से, वन टू थ्री फोर फाइव, बराबर। अब इसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो हार्ट कैसे कर, एक मिनट में कितनी बार हार्ट पंप करता है? 60 to 80 और 100 तक, ठीक है, वो वापस से 80 के रेंज में आ जाता है, बराबर। अब सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक आया है तो सिर्फ आप दो बार करके फिर आप कार्डियक मसाज 100 पर मिनट दो, बराबर। पर अगर ड्राउनिंग का केस है, कौन थे ड्राउनिंग में, हाँ बराबर, कोई पानी में डूब जाता है तो उसका सांस भी चालू करना है, उसका हार्ट भी चालू करना है। दो बार ये, 15 बार ये, 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 एक मिनट में 4 साइकिल होने चाहिए, तो 60 बार कार्डियक मसाज होगा, बराबर। और इफ इनके सिर्फ हार्ट अटैक का केस है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ मसाज दे सकते हो, पर स्टार्ट करो यहाँ से ही, क्योंकि अगर बीच में लंग्स में कुछ होगा, लंग्स को अगर प्रेशर चाहिए होगा तो लंग से डायरेक्ट प्रेशर उसको मिल जाएगा। अब स्पीड कैसी होनी चाहिए तो वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहला वाला बराबर था कि दूसरा वाला? पहला वाला। हार्ट इतने स्लो पंप करता है? नहीं, बराबर, वो गलत। तीसरी चीज, अब आपने यहाँ पे शुरू किया पर आप दबाए